हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हमारे पिताजी ने उठा के हमें आज खेत में लगा रखा है। दो बल्द हैं हम, एक मैं एक मेरा भाई, जो इस खेत को बना रहे हैं। और आज इसमें पहले तो विचार था कि सूखा बोएंगे करके, लेकिन आज रात को बारिश बहुत ही मस्त बारिश हुई है, जिसकी वजह से फिर आज हमको पानी डाल के इसको छड़ने की कार्रवाई किस प्रकार की जाएगी वो अभी आपको दिखाएंगे। अब फिर इसके बाद हमने इसका पूरा घास हुआ था और इसकी मिट्टी को बराबर किया। अभी इसके ऊपर पैर रखने में ऐसा हो रहा है बिल्कुल जैसे मलाई सी जम गई है इसके ऊपर। ये इस प्रकार से खेत को तैयार किया था। उसके बाद इसमें बीज छोड़ा जाएगा और उसके बाद फिर ये धान होने में कम से कम एक महीना कम से कम पौध को ऊपर आने में लगेगा। बीज हमारा दो दिन पहले भिगा दिया था, कल से उसको पानी से निकाल के उसको ऊपर निकाला था, थोड़ा सा अंकुर आ गया है उसमें, उसको ढक के रखा था। अभी आपको दिखाएंगे किस प्रकार का बीज लगा है। और बच्चे हमारे सारे यहाँ नहा धो के पहुँचे हुए, देख रहे हैं उनके पिताजी किस प्रकार से बो रहे हैं। और देखना भी चाहिए, कल के दिन पता नहीं क्या अपना करें ना करें, करना तो चाहिए हमें। अभी देखिए हम दिखाते हैं आपको किस प्रकार से पापा जो है हमारे धान बो रहे हैं। बहुत लंबे समय से बोते आ रहे हैं पिताजी बीज, इनके हाथ का बीज बहुत बढ़िया लगता है। अभी तक भागवत चल रहा था, बढ़िया सा भजन लगे हुए थे, काम करने मन लग रहा था, ठीक पहुंच बोते समय अभी भजन बंद हो गए हैं। ये देखिए पिताजी किस प्रकार से बीज बो रहे हैं। भाई साहब उधर खेत खराब कर रहे हो आप आ जाओ, बाहर आ जाओ, घास निकल गई पूरी। और ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ पौध का जो बीज है किस प्रकार से। ये देखिए इसमें कितना बढ़िया सा अंकुर आया हुआ है। देखिए ये पौध के बीज में अंकुर आ चुका है। ये अभी इसमें हम अगर छड़ेंगे तो जल्दी से जल्दी अंकुरित हो जाएगा। और इसमें काफ़ी डेली इसमें आके हल्ला गुल्ला करना पड़ता है, नहीं तो चिड़िया जो है दाना चुगना शुरू कर देती है जो ही ऊपर आता है, उसका अभी स्वाभाविक है। अभी इस प्रकार से देखिए पिताजी ने पूरा पौध बो दी है, कुछ दिनों बाद ये पौध जो है ऊपर को आने लगेगी। इसमें गाइस ध्यान देना पड़ता है कि एक ही हाथ एक बराबर पड़ना चाहिए, नहीं तो कहीं धान मोटा कहीं पतला हो जाता है। और खेत तो आपको मैं थोड़ा देर में बता पाया क्योंकि एकता पांडे जी देर में फ़ोन लेके आई, ये घर में खाना बना रही थी। आज इनका अमृतपुर जाने का प्लान भी है, पता नहीं क्या क्या चाउमीन आलू के गुटके वगैरह क्या क्या बना के ले जा रहे हैं। अभी वो चीज़ आपको आज हम दिन में दिखाएंगे अमृतपुर का मज़ा, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी लगी है मुझे लगता है वहीं जाके धो के आनी पड़ेगी बढ़िया से नहा के। ओके गाइस फिर मिलता हूँ, हुलिया मेरा ऐसा हो रहा है, बाद करता हूँ। ये देखो खेत में किस प्रकार से काम करना पड़ता है, मिट्टी माटी में सब कुछ लगना पड़ता है। ओके गाइस बाय।